अरे इस वकील के लिए डिवोर्स केसेस हलवा खाने के जैसा है, हम जरूर जीतेंगे। ऑर्डर 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 योर ऑनर, ओसी नंबर 316 जानकी वर्सेस पांडियन डाइवोर्स केस ऑलरेडी पोस्टेड फॉर ट्रायल योर ऑनर। आई ऑर्डर कॉलिंग द कंसर्न पार्टीज। जानकी जानकी जानकी, पांडियन पांडियन पांडियन। योर ऑनर, काफी देर हो रही है, अभी तक पार्टी नहीं आई। आई रिक्वेस्ट यू टू पास ओवर दिस केस। जानकी जी, आपके पति मेरा मतलब मिस्टर पांडियन क्यों नहीं आए? अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ क्यों आती? पता नहीं किस लड़की के साथ इस वक्त घूम रहे होंगे। शादी कब करने वाले हैं? शादी कोई खाने का चॉकलेट है क्या? लेकिन तुम्हारा डिवोर्स हो रहा है ना? मजाक मत करो रत्ना। ए पांडी, तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन हम दोनों साथ में तो रह सकते हैं ना? अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। तुम जाओ बोलोगे, मैं जाऊंगी। तुम जाओ। पांडी मजाक मत करो। देखो ना, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ। जोसेफ, क्या हुआ मास्टर? क्या जोसेफ, अभी तक मेकअप पूरा नहीं हुआ? आपने लाइट पूरी ऑन कर रखी है, उसकी वजह से इनका मेकअप गल जाता है। मैं इनका टचअप कर देता हूँ। लगता है तुम्हारी वजह से मुझे कोई फिल्म नहीं देगा। मास्टर, क्या है? मुझे जाना है। अभी पहला अंतर भी खत्म नहीं हुआ है। अगर मैं यहाँ पहले अंतर के लिए रुका तो वहाँ कोर्ट मेरा आखिरी अंतर गा देगा। तुम थोड़ी ना शादी के लिए जा रहे हो, तुम अपनी पत्नी से अलग हो रहे हो, डिवोर्स हो रहा है। मैं उससे कहाँ अलग होना चाहता हूँ, वो मुझसे अलग होना चाहती है अपने पिताजी की बात सुनकर। लगता है गाय के साथ साथ बछड़ा भी खोदूंगा मास्टर। भैया, क्लाइमेक्स का वक्त हो गया है, हमें डिवोर्स जरूर मिल जाएगा। सर, इस केस में पहले भी ऐसा 4 बार हो चुका है, मुझे नहीं लगता कि पांडियन कोर्ट में आएंगे, इसलिए मैं कोर्ट से दरख्वास्त करता हूं कि आप मेरे क्लाइंट को डिवोर्स देकर इस केस को बंद कर दीजिए। योर ऑनर, आई एम सॉरी योर ऑनर, मैं थोड़ा लेट हो गया। पापा, आप वहां जाइए, बहुत देर से आपका नाम पुकारा जा रहा है। एक्चुअली मेरा लेट होने का कारण ये है। हाँ, बहुत बड़ा कारण है, सुन सुनकर बोर हो चुकी हूँ। हमेशा झूठ बोलता है और अपने आप को डांसर कहता है। जानकी जी, आप तो जानती थी ना कि ये एक डांस असिस्टेंट है। ये असिस्टेंट नहीं है, कलाबाज है। तुम नटराज की पूजा करती हो ना, वो भी कलाबाज है। ठीक है। सॉरी बेटी, इनके बारे में इतना कुछ जानते हुए भी आपने इनसे शादी क्यों की? प्यार, कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, मेरी तो आंखें थी फिर भी आखिर तक नहीं खुल पाई। हम नहीं करते हैं। क्यों? इस बार हम नहीं करते हैं। ऐसा कहते हो? हम जो भी चाहते हैं अगर वो हमने किया तो बोर हो जाएंगे। यू, तुम्हें ठीक कर दूंगी, शादी नहीं करनी है क्या? जरूर करेंगे। लेकिन कब? जब सिटी बजेगी तब। जिस दिन हमें विश्वनाथ अय्यर देखेंगे। तुम पापा की बात कर रहे हो? तब तो कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों? क्यों पूछते हो? पापा हमारी शादी के लिए राजी नहीं हुए तो? तुम्हारे पापा ना? वो कभी भी राजी नहीं होंगे। फिर पापा की बात क्यों करते हो? तुम्हारी भाषा में कहूँ तो परंपरा, और मेरी भाषा में कहूँ तो तमीज या शिष्टाचार। लेकिन मुझमें जो तमीज थी वो इसके पिताजी में नहीं थी। क्यों? मेरे पिताजी ने, एक कमीने, बाहर जाओ। ऐसा कुछ कहा था क्या तुमसे?
छे छे। विश्वनाथ अय्यर और ऐसे गलत शब्द, उनकी स्टाइल कुछ अलग थी। अभी जिन शब्दों का इस्तेमाल इसने किया वही शब्द वो बहुत ही तमीज से कहते थे। ये मेरे परदादा राम सुब्बू अय्यर, ये मेरे दादाजी ईश्वर अय्यर, ये मेरे पिताजी जगदीश्वर अय्यर और मैं विश्वनाथ अय्यर, यही है हमारी वंशावली। क्यों, सुनने में कोई अजीब लग रहा है क्या? आप हंसते हुए अपना सिर हिलाइए क्योंकि मेरी बेटी उधर कांच से हमको देख रही है। आप तो फिल्म वाले हैं ना, तो जरा एक्टिंग कीजिए ना। आज तक मेरी बेटी ने जो भी मांगा मैंने कभी ना नहीं कहा है, लेकिन अभी वो आपको मांग रही है। मैं ना नहीं कहना चाहता, मैं ना कहने वाला भी नहीं, तो अगर ना आप कह दें तो अच्छा रहेगा। कॉफी कॉफी नहीं 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 चाहिए, नहीं चाहिए। ठीक है। देखो मेरी बेटी तुमसे प्यार नहीं करती, वो सिर्फ इन्फैचुएशन है। उसका प्यार ठीक वैसा ही है जैसे कोई गुड़िया से प्यार करना। अब कोई गुड़िया के साथ पूरी जिंदगी कैसे बिता सकता है? हाँ देखो ये तुम्हारे लिए है और इसमें पूरे 2,00,000 रुपए हैं, तुम समझ रहे हो ना? वैसे तो होने वाले दामाद को दहेज दिया जाता है, लेकिन तुम्हारे पिताजी कुछ अलग किस्म के हैं। मैं दामाद ना बनूं इसलिए मुझे ये पैसे दिए हैं। ये सूर्य नासुर तुम खुद फैसला कर लो। सॉरी तुम उस कमरे में नहीं थी इसलिए मेरी बात नहीं समझोगी। विश्वनाथ अय्यर चाहिए या ये पांडियन, ये तुम खुद फैसला कर लो। पांडियन ये क्या है? क्यों पंडियन भाई, शादी की रिहर्सल कर रहे हो? hey, ये असली शादी है, 3 गांठ बांध चुका हूँ, ये पत्नी है मेरी। सॉरी ये वाई वाई पूरी है। नमस्ते जी, शूटिंग के लिए फूल लेके जा रहा था इसलिए आपके ऊपर डाल दिया। अभी मैं चलूं भाभी। इसमें से तो गोंद की बू आ रही है, कागज के फूल है देखो। हाँ, ये सूखेगा नहीं। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? हमारे घर में चमेली का पेड़ है। तो क्या हुआ? तो पिताजी की याद आ गई। ओ पिताजी की याद आ रही है, चिपक तुम मुझसे रही हो, थोड़ी दूर हो जाओ, लोग गलत समझेंगे। काजल फैल गया क्या? नहीं ठीक है ठीक है, भगवान से प्रार्थना करके मन्नत मांगो। क्या मन्नत मांगू? यही कि हम दोनों का साथ जिंदगी भर बना रहे। उनसे क्या मांगना, हमें तो साथ ही रहना है। अच्छा बाबा भगवान की तरफ देखो। भगवान यहाँ नहीं है। तुम अचानक नास्तिक क्यों बन गई? मैं सच कह रही हूँ, भगवान चले गए। क्या मतलब? आए देखो भगवान उधर जा रहे हैं। अरे सुब्राज कहाँ जा रहे हो? कहीं और सेट लगाना है गणपति पूजा का, 7वें नंबर फ्लोर पे शूटिंग चालू है, वहीं पे जा रहे हैं हम। एक नई हीरोइन आई है, मेरी दीक्षित विकसित उसका कुछ नाम है। अरे वो माधुरी दीक्षित है, कुछ भी नाम बोल रहा है। क्या हुआ? ये कौन सा मंदिर है? अरे ये एवीएम मंदिर है, अच्छा मंदिर है, बड़े बड़े कलाकार यहाँ आते हैं, हर कलाकार का सपना होता है यहाँ आकर अपनी कला का प्रदर्शन करे। नकली मंदिर, कागज के फूल, इसी तरह मेरी शादी में भी कुछ असली नहीं था, सब कुछ झूठ था। हमने जो जिंदगी जी, हमारी जो बेटी पैदा हुई, वो झूठ है क्या? ये सब बिल्कुल झूठ है, दिस मैरिज इज फॉल्स, इस डांसर से शादी करके। हेलो, अगर मैं एक डांसर हूँ तो तुम बात करने वाले बातों नहीं हो। देखा आपने, देखा इसे सर, ये आदमी हमेशा भावुक हो जाता है और छोटी छोटी बातों के लिए मेरे क्लाइंट को ये हमेशा परेशान करता है। इतना ही नहीं सर, छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट्स के लिए ये आदमी बिल्कुल पागल हो जाता है। मैंने कौन सी क्रूरता की? क्या मतलब, मैं तो कहता हूँ खून की नदियाँ बही थी योर ऑनर। खून की नदियाँ बही थी, किसने कहा आपको? घर वालों ने। इसका घर वाला तो मैं हूँ। वकील साहब ठीक से बात करिए ना। वो आपके मकान मालिक ने। पांडियन भाड़ा किधर है? ओ पोजीशन थोड़ा टाइट चल रहा है। हाँ, मैं जब भाड़ा मांगता हूँ तो पोजीशन टाइट हो जाती है। और बीवी के लिए कलर टीवी लेके आया? कलर टीवी? अभी अभी नई टीवी अंदर गई है। संभल कर टेबल पर रख दीजिए। पापा सेंटर में रखिए, साइड में रखेंगे तो गिर जाएगा ना। नया टीवी? जानी धीरे से इधर आओ ना। संभल कर, 20,000 रुपए का है। क्या हुआ? ए बताओ, हमें भी टीवी की जरूरत है क्या? हमें नहीं है लेकिन बच्ची को तो है। टीवी देखेगी तो बच्ची पढ़ाई में ध्यान नहीं देगी, ऐसा तुमने कहा था। बच्ची की पढ़ाई के बारे में तुम कब से सोचने लगे? तुम्हारा ताता था या डांस देखने के लिए खरीदा है मैंने। टीवी पर और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं। और दूसरी बात ये है कि मुझे पड़ोसी के घर में जाकर टीवी देखने में बड़ी शर्म आती है। देखो तो इस एंटीना को कहाँ लगाना है? हाँ, सर पर टांग दो, ये भी कोई पूछने की बात है क्या? बहुत हंसी आ रही है। किसे? बच्ची को और किसको? जरा उधर जा बेटा।
जाने मन मेरी इतनी कम पगार है, ये सारी चीजें यशी की नहीं लगती। वो लोग इंस्टॉलमेंट में देते हैं ना? क्या कहा? इंस्टॉलमेंट में देते हैं? हे भगवान, मैं टीवी के इंस्टॉलमेंट की बात कर रही हूँ। मेरी पगार ही इंस्टॉलमेंट में आती है। मैंने फ्रिज जैसी कोई चीज नहीं मांगी है। मेरे पापा के घर में तो एसी भी लगा हुआ है। तुम बहुत बदल गई हो। और तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले हो, यही तो प्रॉब्लम है। सारी बीवियां चाहती कि उनके पति ना बदले, और मैं नहीं बदला तो तुम्हें प्रॉब्लम है। मुझे प्रॉब्लम है। अरे वो लोग सुन, हाँ, उन्हें भी सुनने दो। बेताल से शादी करनी है तो पेड़ पे चढ़ना आना चाहिए। मैंने डांसर से शादी की, लेकिन मुझे डांस करना नहीं आता, कह देती हूँ। हाँ। कुछ भी उठपटांग बात मत करो, टीवी की बात है। ठीक है, रहने दो। कांग्रेचुलेशंस। देखिए, सुनिए, रुकी रुकी, अभी टीवी प्रॉब्लम नहीं है, आप है। मैडम, अब तुम्हें क्या हुआ? हमने आपका टीवी बना दिया है। ए, चालू कर रहे। आप कह रहे हैं कि आपकी शादी को पूरे 40 साल हो चुके हैं, तो बिना अनमन के कैसे निभाया? एक दूसरे की आपसी समझ। बस करो, टीवी ऑफ कर दो, चलो। ऑफ ही रखना है तो खरीदने की क्या जरूरत थी? मजाक कर रहे हो? देखो, मैं इस कबूतर खाने में बोर नहीं रहना चाहती। वो गली के कोने पर छुपान की दुकान वाला है ना, वो भी तुमसे ज्यादा कमाता है, पता है? स्मगलर है। चुप भी करो, मैं मटके का पानी नहीं पी सकती। और पड़ोस में जाकर टीवी देखना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जानती हूँ तुम क्या कहने वाले हो, मैं जानती हूँ। टीवी बच्चे के लिए लिया है, लेकिन उसे पैदा मैंने किया है, मैं टीवी नहीं देख सकती। अब क्या हुआ? इंस्टॉलेशन चार्जेस मैडम। ये लो, सिर्फ 50 रुपए मैडम। बाकी के पैसे तुम खुद रख लो। थैंक्स मैडम। जानती हूँ तुम क्या कहने वाले हो, जानती हूँ। 50 रुपए ज्यादा है। और मेरा भारती, पापा कहाँ गए? भारती, ये ढील लो पापा, ढील लो। अरे चुप रहो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। थोड़ा धागा छोड़ो। ठीक से झगड़ा भी नहीं कर सकते। मैं वहाँ पागलों की तरह बोली जा रही थी, और तुम ओके, तुम यहाँ चले। तुम वहाँ से चली क्यों आई? थोड़ी देर और पागलों की तरह बोलती रहती। तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आती? स्वाभिमान नहीं है क्या? हाँ, बहुत धूप है, गर्मी हो रही, और स्वाभिमान भी है, इसलिए उन लोगों के सामने झगड़ा नहीं किया और यहाँ आ गया। पतंग को कह रही थी माँ। हेलो, हेलो। हाँ, बोलो ना। मतलब मुझ पे शर्म नहीं है, मैं स्वाभिमानी नहीं हूँ। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। यहाँ तो मेरी थोड़ी भी इज्जत नहीं है। यहाँ नहीं, अरे कहो, घर में नहीं है। देखो, मुझे भी बात करनी आती है। अरे वो देखो वहाँ। क्या कह रही हो? चुप रहो, खुद तो बिगड़े हुए हो, इससे भी बिगाड़ रहे हो। पढ़ाई जरूरी है या पतंग उड़ाना? मेरी बेटी होशियार है, बिना पढ़ाई पतंग उड़ाना जानती। ये देखो, क्या सुपर है, पतंग। मेरी जिंदगी का मजाक बनाकर रख दिया है और पतंग उड़ा रहे हो? ये माँ रो रही है, और तुम? मैं कह रहा था कि माँ जाए, हाथ कट जाएगा, लेकिन तुम सुन ही नहीं थी। कह रही थी कि माँ जाए। इस दफा योर ऑनर, 26 अगस्त को खून की नदी बही थी। अरे वो पेंसिल शार्प करते वक्त हुआ था। योर ऑनर, ये कुछ भी बोले जा रहा है, ये मेरी बीवी जानकी, और ये तो ऐसे बोल रहा जैसे ये वही मौजूद था। वकील ये कहना चाहते हैं, सच है योर ऑनर। ठीक है, मान लिया। जो काम एक पिता को नहीं करना चाहिए, वो काम मिस्टर पांडियन ने किया है। अपने स्वार्थ के लिए मेरी बच्ची को इन्होंने डांसर बना दिया था। आजकल डायरेक्टर की कोई इज्जत ही नहीं रह गई है। जिसका मन करता है वो कट बोल देता है। अरे क्या प्रॉब्लम है, जाकर देखो ना। सॉरी सर, वो मेरी प्रॉब्लम है। मेरी बच्ची से क्या करवा रहे हो? वो मेरी भी बेटी है। सॉरी मास्टर, वो डांस कर रही है। तुम अकेले काफी नहीं थे क्या, जो मेरी बेटी को भी डांस बना रहे हो? तुम कुछ भी बोले जा रही हो यार, ये कला है, कला। ऐसी कला को तुम डांस कहते हो? पागल हो तुम। यूनियन की प्रॉब्लम है क्या? और ये कौन है? ये मेरी वाइफ है सर। ओह, नमस्ते मैडम। ये डायरेक्टर साहब हैं। बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। नमस्ते। क्या बड़े डायरेक्टर हैं? किसी बड़ी कंपनी के डायरेक्टर हैं क्या? छोटी सी फिल्म के डायरेक्टर हैं ना? सुनो पांडियन, आप अपनी पत्नी से बात कर लो, मैं वहाँ इंतजार करता हूँ। तुम्हें ऐसी बात करने की जरूरत? तुम्हें तो बच्ची की जरा भी फिक्र नहीं है। अब मास्टर, वो आपका असिस्टेंट है ना, जाकर प्रॉब्लम खत्म करो। याद रखना, बच्ची कंटिन्यूटी में है। स्पॉट, मेरे लिए चाय ला। अरे छोड़ो मुझे, मेरी बात तो सुनो। पांडियन, तुम्हारी बेटी डांस करेगी या नहीं? मैं डांस मास्टर। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी बेटी डांस नहीं करेगी। विश्वनाथ अय्यर की पोती डांस नहीं करेगी। अरे यार,
मैंने विश्वनाथ अय्यर की पोती को लाने के लिए नहीं, तुम्हारी बेटी को लाने के लिए कहा था। मेरी बेटी सर, इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। विश्वनाथ की बेटी से मैंने शादी की है, इसलिए मेरी बेटी विश्वनाथ की पोती हो गई। तो ये कौन है? विश्वनाथ अय्यर की जो पोती है ना, ये उसकी माँ है। आई एम सॉरी, ये मेरी बीवी है। ओहो, मैं सुब्रमण्यम अय्यर का पोता हूँ, मैं भी तो डांस कर रहा हूँ। हाँ, डांस करते हैं मास्टर। देखिए मैडम, ओ इस तरफ गई मास्टर। अरे क्या कर रही है मैडम, बच्ची कर रही है। क्या कर रही हैं आप? जानवरों की तरफ बांध के रखा है मेरी बच्ची को। हाँ, अगर नहीं बांधा तो बच्ची नीचे गिर जाती ना मैडम। ये कोई उम्र है इस बच्ची के पैर बांधने की? चलो यहाँ से। मेरी बात सुनो जानी, मैं कमिट कर चुका हूँ। तुमने क्या क्या कमिट किया, इससे मुझे क्या लेना देना? पढ़ाई खराब कर दी इसकी। आज संडे है, स्कूल छुट्टी है। रुको रुको, मेरी बात तो सुनो। देखो अगर वो डांस करी तो उसे 5,000 रुपए देंगे, समझ लो कि उसे स्कूल में स्कॉलरशिप मिली है। ओहो, बच्ची की कमाई खाना चाहते हो तुम? बच्ची की कमाई खाने वाले को क्या कहते हैं पता है ना तुम्हें? आपने 4 लोगों के सामने अपनी पत्नी को थप्पड़ मारा था क्या? वो योर ऑनर, तो आपने नहीं मारा? 4 लोग नहीं ऑनर, वहां 400 लोग थे। हा? लेकिन उसका कारण क्या था और किन परिस्थितियों की वजह से ऐसा हुआ? मिस्टर पांडियन, वो सब रहने दीजिए। आपने इनको थप्पड़ मारा या नहीं? देखिए ऑनर, कितने दोस्त आपस में लड़ते, कितने पति पत्नी आपस में लड़ते, कोर्ट तक नहीं आते। आप लोग यहाँ आ गए हैं, से यस और नो। यस यस। ओके। क्या ओके? आपने यस कहा, वो ओके? वो नो। यस ऑनर। आपने थप्पड़ मारा या नहीं? हाँ। हाँ का मतलब यस होता है। यस, दैट्स ऑल। भैया कबूल कर लिया। अब उसने अब मुझे क्यों देख रही हो? मम्मी को देखो। आई हियर बाय ग्रैंड डिवोर्स टू जानकी एंड पांडियन। अब से दोनों को एक साथ पति पत्नी बनकर रहने की बंदिश नहीं। शांत, ये कोई मीटिंग है क्या? आई ऑर्डर द कस्टडी ऑफ द चाइल्ड भारती विद द मदर जानकी। नो नो योर ऑनर, चाहे तो आप मेरी बेटी से पूछ लीजिए, वो कहेगी कि वो मेरे साथ रहना चाहिए, है ना भारती? चुप। मिस्टर पांडियन, 14 साल के बाद ही एक बच्चा सोच समझ कर कोई फैसला कर सकता है। आप ऐसा नहीं कह सकते योर ऑनर, इसे देखिए 14 साल हुए, कई साल हो गए, लेकिन कोई फैसला ढंग का नहीं किया। बहस करके कोई फायदा नहीं, दिस इज लॉ। कानून के मुताबिक बच्ची अपनी माँ के साथ रहेगी। एक बात और, जानकी की हैसियत अगर देखी जाए तो बच्चे की परवरिश वही ठीक से होगी। तो योर ऑनर, क्या मैं अपनी बेटी से कभी मिल सकते हो? हफ्ते में एक दिन। बेटी शुक्रवार ठीक रहेगा ना? हाँ तो शुक्रवार ठीक है, किसी भी पब्लिक प्लेस में मिल सकते हो। तुम सुनो, बाद में इन दोनों से तुम अलग अलग साइन ले लेना। क्यों बेटी जानकी, तुम खुश हो ना? हाउ अबाउट यू मिस्टर पांडियन? तुम बेटी से मिल सकते हो हफ्ते में एक दिन, शुक्रवार को। मेरी प्यारी गुड़िया। और बेल रेडी हो? किस लिए? भूल गए क्या? या उमी ब्लक। ठीक है बोलो। या उमी ब्लक। आप हार गए तो मैं पूछूंगी, ठीक है? अब पूछूं। आज कौन सा डे है? फ्राइडे। गलत है। हा? आज गुड फ्राइडे है। वो कैसे? आज मैं आपसे मिल रही हूँ इसलिए गुड फ्राइडे। अरे यार, ये फायर इंजन की तरह बजता हूँ। हेलो। अरे भैया, हाँ बोलिए। तुम लोग बच्ची के पास ही रहना और उसे कहना कि मांस मच्छी खाने वाले से डरे और उससे कम से कम 1/2 किलोमीटर दूर रहना, कुछ समझे? उनसे पूछिए मेरी बच्ची कहाँ है। अभी बच्ची कहाँ है?
गणपति बाबा से क्या मांग रही हो बेटू? मैं मांग रही हूँ कि मैं जल्दी से बुढ़ी हो जाऊँ। क्यों? कोर्ट में जज ने कहा था 14 साल की हो जाऊंगी तो किसी के भी साथ रह सकती हूँ, तो अगर मैं बुढ़ी हो जाऊंगी तो आपके पास आ जाऊंगी। छी, बुढ़ी हो जाऊंगी तो फिर तेरी शादी नहीं होगी क्या? नहीं करूंगी तो डाइवोर्स भी नहीं होगा। आप बच्ची को क्या दे रहे हैं? मेरी बेटी को मैं कुछ भी दूंगा समझे? ऐसा नहीं हो सकता, ये मुझे दो। तुम्हारी बेटी पहले जैसा कुछ भी खाने वाली नहीं है, ये क्या है, इसे परखने के बाद ही ये खाएगी, समझ गए? बच्चे के लिए लाया और तू झूठा कर रहा है, अपने आप को क्या तू फन्ने का समझता है? वो बिल्कुल ठीक कह रहे, मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए। वेरी गुड, ये बात ये जानती है और आप नहीं जानते। आप जो हमेशा देते वो दे दीजिए। अब इसे कैसे चेक करोगे? ये बहुत ज्यादा होशियार है, बिल्कुल विश्वनाथ जी के जैसा। ठीक है, जल्दी खत्म करो। जल्दी खत्म करने के लिए इधर खाना बन रहा है क्या? देखो चाहे जो भी हो, ये विश्वनाथ जी का ऑर्डर है। क्या विश्वनाथ का ऑर्डर लगा रखा है, मैं नहीं मानता। मुझे अपनी बेटी से बात करनी है, तुम लोग दूर खड़े हो। तुम लोग, इसने कहा और तुम लोग चल दिए? देखिए, जब आप बच्ची से बात करेंगे तो हम यहीं रहेंगे, ये विश्वनाथ जी का ऑर्डर है। लेकिन मुझे अपनी बेटी से अकेले में बात करनी, ये कोर्ट का ऑर्डर है। कोर्ट का ऑर्डर है? कोर्ट का ऑर्डर आपने ठीक से पढ़ा नहीं? अरे आप कहाँ पढ़ेंगे, आप तो 10वीं भी पास नहीं कर पाए। अब ठीक है, You are entitled to see the child only in the public place. हिंदी में बोलूं तो सार्वजनिक जगह। ये रह सकता है, ये भी रह सकता है, तुम भी रह सकते हो। अरे भाई तुम सब लोग रह सकते हो। हो गया ना सार्वजनिक जगह। अरे मुंह में क्या है, मुंह खोलो, बहुत गंदी है। कहां गया? उस तरफ। ये सब लोग अलग अलग दिशा बता रहे हैं। अरे जाओ। तुम इतने लोग गए हो, आखिर कर क्या रहे हो? कोई परिंदा है क्या जो ऐसे ही हवा हो गया है? ढूंढो उसे, वो आसपास ही कहीं होगा। अच्छी तरह ढूंढो और फिर मुझे फोन करो। भाई भाई लेफ्ट में देखिए ना। अरे गाड़ी चला रहे हो क्या? लेफ्ट राइट? तुम गाड़ी चला रहे हो क्या जो लेफ्ट लेफ्ट कर रहे हो? बाप रे, उनसे कहिए टाइम खत्म हो चुका है। बोलो टाइम हो गया है, बच्ची को जल्दी लेकर आओ। बेटा टाइम हो गया, चलो आ जा, चलो। पापा याद रखना, याउमी ब्लड। ये तुम क्या कर रही हो? आप चुप रहिए। ठीक है। ये क्या है? नहीं जानता। साड़ी? ये क्या है? नहीं जानता। कॉटन की साड़ी? अच्छा चलो बेटा। बाय बाय। अरे तो अब क्या, तुम्हारी चिके ने तो डिवोर्स ले लिया ना, तुम अंडा लेकर भाग जाओ। ये तुम क्या करो भाई? कह रहा हूँ अपनी बेटी को लेकर भाग जाओ। भाई तुम्हारा दिमाग सटक गया क्या? क्या हुआ, मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया? वो बच्ची आखिर किसकी है? तुम्हारी है, तुम उसके बाप हो। तुम उसे लेकर बंगलोर या मैसूर भाग जाओ कहीं नॉर्थ इंडिया में। वो नॉर्थ इंडिया में नहीं है भाई। तो दुबई भाग जाओ, वो साउथ इंडिया में है, मेरे रिश्तेदार है वहाँ, उनका एड्रेस देता हूँ, वो अच्छा ख्याल रखेंगे।